आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, टॉपिक है आपका दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन। बहुत ज्यादा मैं नोट नहीं करूंगी क्योंकि नीट के पर्पज से कर रहे हैं हम लोग, इस वजह से बहुत मैं नहीं नोट करूंगी ताकि आपको भी लगे कि नहीं इजीली हमें सारी चीज़ें स्मूथली समझ आ रही है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, इसी के सारे इवेंट्स भी हम लोग देखने वाले हैं। अब इसमें क्या है, खासियत क्या है, एक यहाँ पे आपको टर्म लिखा है जायगोट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जायगोट के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बारे में, जायगोट के बारे में। ठीक है, अगर कहीं भी जायगोट बना है पूरे बायोस्फीयर में, कहीं भी अगर आपको जायगोट लिखा हुआ दिखता है, ऐसे कई बार मैंने ये चीज आपको बता रखी है, साफ सीधा से उसका एक मतलब है कि यहाँ पे गारंटी है 2000% कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन जरूर हो रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे मेल गेमेट की प्लॉयडी हैप्लॉयड होगी, फीमेल गेमेट की भी प्लॉयडी हैप्लॉयड होगी, और जायगोट की जो प्लॉयडी है वो क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, जायगोट की प्लॉयडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, इसकी प्लॉयडी हमने यहाँ पे डिप्लॉयड मेंशन कर ली है। अब देखिए, डिप्लॉयड मेंशन करने के बाद, यानी जैसे कई बार बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जायगोट में कितने सेल होते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, उनके दिमाग में एक बात आती है कि जब हम यहाँ पे n प्लस n इज इक्वल टू 2n कर रहे हैं तो वो प्लॉयडी को कंफ्यूज करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ। मतलब जहाँ उनको डिप्लॉयड बोलना चाहिए वहाँ वो यूनिसेलुलर लिख, वहाँ वो क्या करते हैं, टू सेल्स लिख के आते हैं, और जहाँ पे डिप्लॉयड लिखना चाहिए वहाँ पे वो हैप्लॉयड लिख के आते हैं। तो इस चीज़ को पहले दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कीजिए, जायगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। गारंटी है कि इसके पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी सेट और सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ जायगोट। ठीक है, ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन दिया गया है, ए में लिखा है टू, बी में लिखा है थ्री सेट्स, सी में लिखा है ओनली वन सेट, डी में लिखा है फोर सेट्स। जब ऐसा ऑप्शन होता है ना, फिर क्या होता है, आपके दिमाग में एक ही चीज होती है, वो है कंफ्यूजन। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमेशा के लिए इसको क्रिस्टल क्लियर करके रखना है, ये क्या है, जायगोट है, ये पूरे बायोस्फीयर में जब कभी भी कहीं भी बनेगा, बायोस्फीयर मतलब धरती का हर वो एरिया जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जायगोट बना, क्या बना, जायगोट बना, इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे जायगोट मेंशन कर रखा है। क्या मेंशन किया हमने यहाँ पे, जायगोट मेंशन किया। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जायगोट बन गया, इसके बाद की जो भी जर्नी चलेगी, अब अगर आपको गुमराह करने के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि विच टाइप ऑफ, जैसे आपने हाँ क्वेश्चंस का बोला था, मेरे दिमाग से निकल जाता है तो मैं साथ के साथ अभी थोड़ा थोड़ा एक पेज में अलग से सेपरेट करके बना देती हूँ ताकि आप भी कॉपी में नोट कर सकें उसको, है ना। चलिए, यहाँ पे जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, मेंशन द प्लॉयडी ऑफ, एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या सिखाया है, प्लॉयडी जायगोट की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाएगा, मेंशन द प्लॉयडी ऑफ, मेंशन द प्लॉयडी ऑफ जायगोट, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, जायगोट की प्लॉयडी बतानी है। इसका आंसर क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड मतलब 2n होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी, इस क्वेश्चन को उल्टा किया जा रहा है, यही सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ
जायगोट। अब भी क्या होगा, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वही तो बात है ना। बस यहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब एक और ट्विस्ट इस तरीके से डाला जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे लिखा जाए विच टाइप ऑफ, मैं आंसर भी साथ के साथ बताती जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द प्लॉयडी ऑफ जायगोट। अभी अभी मैंने सिखाया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जहां भी जायगोट बनता है, जहां भी जायगोट फॉर्म होता है, उसकी प्लॉयडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ जायगोट, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लोबुलर एम्ब्रियो, अ ग्लोबुलर अ ग्लोबुलर एम्ब्रियो इन अ प्लांट, इन अ प्लांट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का ट्रिक है, देखिए क्या ट्रिक है, सो सिखाती हूँ। जब एक बार जायगोट बन गया, जब क्या हो गया, एक बार यहाँ पे जायगोट ये फॉर्म हो गया, तो इस चीज की गारंटी है कि जायगोट अब अपने आप को डेवलप करने के लिए ऑलवेज, चाहे ये वन सेल से टू सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो माइटोसिस, चाहे ये टू सेल स्ट्रक्चर से ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो, क्वेश्चन तो यही है ना कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होने में कौन सा सेल डिवीजन लगता है। अब इसके आगे की किसी भी स्टेप में आपको मियोसिस लिखना ही नहीं है, ऑलवेज आपको क्या लिखना है, हमेशा आपको यहाँ पे माइटोसिस मेंशन करना है, कॉपीराइटेड है ये, ऑलवेज जब होगा तो क्या होगा, ये माइटोसिस होगा। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर में हमेशा आपको क्या करना है। मैंने तो आपको क्या किया, सिर्फ ग्लोबुलर एम्ब्रियो का पूछा, चाहे वहां पे हार्ट शेप्ड पूछा जाए, चाहे आपको ये पूछ लिया जाए कि प्लिम्यूल और रेडिकल को बनाने में कौन सा डिवीजन लगेगा, तो जो सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गारंटी है कि वो जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको बनने में चाहे आप कैसा भी कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाए, जायगोट के बाद का वो डेवलपमेंट का स्टेज होना चाहिए, उसमें ऑलवेज आंसर में थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माइटोसिस। अगर आप नोटबुक में क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो लगे हाथ साथ के साथ उसके नीचे ही आंसर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी बता दिया मैंने आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए अब क्या है, इसकी सीरीज जो है उसको हम लोग थोड़ा दिमाग में रखते हैं, ठीक। अगर इसको और बढ़िया तरीके से समझने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करें, समझना चाहे वही चीज है, सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर हम यहाँ पे नंबर डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कई बुक्स में से कम लिखा होता है, कई बुक्स में से ज्यादा का स्टेज होता है। जैसे टोरपेडो जो है ये आपने नहीं देखा होगा लिखा हुआ, जनरली जो मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जायगोट बना, क्या यहाँ पे वन सेल है, गारंटी है 2000%। मैंने पूछा है क्वेश्चन में भी, जायगोट ऑलवेज, अब फिर कंफ्यूज करते हैं बच्चे इसमें, बोलेंगे अभी तो आपने बोला कि डिप्लॉयड होगा, फिर आप बोल रहे हैं वन सेल, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कितना सेल प्रेजेंट है इसका मतलब पूछा जा रहा है, कितना सेल है इसमें, ठीक है, और प्लॉयडी पूछी जाएगी, मतलब उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब जायगोट है ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, फिर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। यहाँ पे साफ सीधा आपको दिखाया जा रहा है 1 and 2, इट्स टू सेल्ड स्टेज। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये टू सेल्ड स्टेज है। अब यहाँ पे इसके बाद हम गिनने नहीं बैठेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि मल्टी सेलुलर हो गया, ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, टू सेल्ड तक दिखा दिया, वहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम गिनना नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर ये क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर का जो पोर्शन है, ऐसे ये बॉल लाइक अपीयरेंस देता है, कैसा अपीयरेंस देता है, ये
बॉल लाइक अपीयरेंस देता है, तो हमने इसका नाम रख दिया ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, देन उसके बाद का जो ये स्ट्रक्चर है कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हार्ट शेप दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और ये टोरपेडो एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद जैसे ये मैच्योर हुआ, जैसे ये क्या हुआ, मैच्योर हुआ। ठीक है, तो इसके मैच्योर होने के बाद क्या है, अब यहाँ पे ये अपना रास्ता खुद बनाना स्टार्ट करता है। क्या बोलने का मतलब है, इसके बाद की मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा रखी है प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर प्रिम्यूल है तो यही आगे जाके फ्यूचर में शूट बनाने वाला है, मतलब किसी पौधे का, किसी प्लांट का, किसी ट्री का, जमीन के ऊपर का हिस्सा कौन बनाने वाला है, प्रिम्यूल बनाने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग रेडिकल की बात करते हैं, रेडिकल जो है आगे जाके फ्यूचर में यही उस प्लांट का, ट्री का, जिसको भी आप ले ले उसका ये रूट बनाने वाला है। ठीक है, ये तो फिर कॉटिलेडन्स हैं। और यहाँ पे एक जो ऐसा स्टेम जैसा ये स्ट्रक्चर जो सेल ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा होता है, उसको हम लोग सस्पेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंसर बोलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा क्या, ठीक है हमने ये पढ़ लिया, हमने ये सीरीज सीख ली, जैसे हम इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट अगर डायग्राम पे चलते हैं, ये तो रफ पेज है, ये क्वेश्चन पेज है, इस पे चलते हैं अगर। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, टू अगर जायगोट के साथ साथ टू सेल स्टेज लिखा जाए तो बच्चे तो वहां पे कैच कर लेंगे, बोलेंगे नहीं ये तो स्ट्रक्चर सीरीज में करना बहुत आसान है। एग्जाम में आपको क्या किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन बनाया ए बी सी डी, और वहां पे मैंने क्या किया, सब में जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनिशियल्स लिखे, पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे टोरपेडो शेप्ड, क्या लिख दिया पहले मैंने यहाँ पे ए में मैंने लिख दिया टोरपेडो शेप्ड। ठीक है, फिर मैंने टोरपेडो के बाद लिखा हार्ट, हार्ट के बाद फिर मैंने लिखा मेच्योर, मेच्योर के बाद मैंने लिखा, मतलब क्या है, जब एक ही पॉइंट में आपको चारों चीजें पजल करके दी जाती है ना, शफलिंग कर दिया जाएगा जब इसमें, तो एग्जाम में आपको इसको पहचानने में दिक्कत आएगी कि कौन सा स्टेज पहले आता है और कौन सा स्टेज बाद में आता है। ठीक है, कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, और मुझे आपको जो समझाना है इस डायग्राम के रिगार्डिंग वो ये है कि नीट के पर्पस से आप क्वेश्चंस भी ढूंढेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको बहुत इजीली सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जब आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीट के पेपर के अकॉर्डिंग आपको इस पूरे डायग्राम की सीरीज जो है वो 2000% कंफर्मेशन के साथ याद होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ जो इसकी सीरीज है मेरे साथ साथ, आप भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत एटलीस्ट कुछ वर्ड्स तो नोट कर ही सकते हैं। इसका जब हम लोग अरेंजमेंट देखना स्टार्ट करते हैं, अरेंजमेंट अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट सीरीज, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट सीरीज, तो डेवलपमेंट की सीरीज जो आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नंबर वन दे दूँ, ठीक है सबसे अच्छा तो यही दिखता है, एबीसीडी से भी अच्छा, तो सबसे पहले क्या हुआ, जायगोट फॉर्म हुआ। हाँ, इस चीज की गारंटी है कि मैं जिस भी स्ट्रक्चर को बनाऊंगी उसको बनाने में माइटोसिस होगा, नॉट मियोसिस। ठीक है, जायगोट के बाद फिर क्या होगा, जायगोट जब अपने आप को डिवाइड करेगा, जायगोट जब अपने आप को पहली बार माइटोटिक डिवीजन करके, माइटोसिस करके डिवाइड करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, टू सेल्ड स्ट्रक्चर, क्या बनेगा यहाँ पे, टू सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, देन टू सेल्ड स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये तो एक मल्टी सेलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया, बट कायदे से जो हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं, दैट इज वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पे ग्लोब्यूलर, थर्ड वन इज ग्लोब्यूल, ये देखिए थर्ड वन इज ग्लोब्यूलर, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर शेप्ड भी लिख सकते हैं, ये
ऐसे भी लिख सकते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। देन थर्ड वन इज हार्ट शेप्ड, तीसरा एरो इसके बाद दैट इज, को थोड़ा इधर शिफ्ट करती हूँ, मेरे पास स्पेस हो जाएगा इधर। हाँ तीसरा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड तो आपने लिख लिया, फोर्थ वन इज हार्ट शेप, इसमें हार्ट लिख के यहाँ पे छोड़ देती हूँ, समझ जाएंगे। देन नेक्स्ट इज, इसके बाद आएगा फिफ्थ वन इज, ऐसे एरो दे देती हूँ ताकि पता चले कंटिन्यूएशन में है, है ना, ये हो गया। इसके बाद आ जाएगा टोरपेडो, फिफ्थ वन इज, ये हो गया यहाँ पे आपका टोरपेडो शेप्ड, ये हो गया दैट इज टोरपेडो, टोरपेडो शेप्ड एम्ब्रियो। टोरपेडो एम्ब्रियो इतना लंबी लिखी क्या जरूरत, टोरपेडो एम्ब्रियो। देन हो जाएगा सिक्स्थ वन इज, छठा जो है यहाँ पे सिक्स्थ वन इज मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। ये सीरीज याद होनी चाहिए, बस नीट के पर्पज से मैं इतनी ही बात बोलूंगी कि बहुत ज्यादा तो नहीं, बट आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। सीरीज जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है, आगे चले हम लोग, क्लियर है यहाँ तक, चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं किसके बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में। हालांकि मैंने आपको समझा रखा है, जिसमें थोड़ा सा डाउट हुआ था आपको पिछली क्लास में कि मैम एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस एक बार फिर से बता दीजिएगा, ये रहा पेज अवेलेबल है। अच्छा वो तो पिछली बार वाला कोकोनट एग्जांपल, हाँ एग्जांपल उसका कोकोनट है, उसमें एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म। ये देखिए यहाँ पे एंडोस्पर्म के रिगार्डिंग जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपने देखा था, उसमें ये सीखा था कि अगर किसी सीड में एंडोस्पर्म का थोड़ा भी पार्ट बचा हुआ नहीं रहता है तो उसको हम लोग नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, और अगर बचा हुआ है तो एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स को याद रखना है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो डायरेक्ट बोलूंगी, आप ढूंढ लेंगे जाके तो आपको नीट के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब एक टर्म है यहाँ पे, टर्मिनोलॉजी पे मैं चल रही हूँ फटाफट, मेरे साथ साथ ये बीच में एक एग्जांपल था तो जिसकी वजह से वो बार बार स्लग की फोटो आ रही है बीच में भी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन का पेज लगता है बीच में आ गया, चलो बाद में अरेंज करती हूँ। देखिए मैम एक और, हाँ बोलिए, एंडोस्पर्म वो है मतलब एग्जांपल है तो उसमें वाटर है, हमें बोलते हैं क्या क्रीमी ब्लू ऐसे, आवाज कट कट क्या रही है, फिर से बोलिए तो, फिर से बोलिए तो। कोकोनट जो है वो जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है तो उसमें अंदर में पानी है, वाटर है, इस वजह से है क्या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? हाँ, उसी की वजह से, हाँ ओके okay, उसी की वजह से, हाँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हाँ कुछ वर्ड्स थे टर्मिनोलॉजी में बताने वाले, जैसे हालांकि बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी इसमें से, स्क्यूटेलम पे चलते हैं सबसे पहले, सब सुना हुआ आपका, बस थोड़ा सा फिनिश करके इस चैप्टर को ओवर कर लेंगे, ठीक। एक टर्म आपने क्या सुना है, एस सी यू टी ई एल एल यू एम दैट इज स्क्यूटेलम, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक।
ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है होता क्या है, अब आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी ग्रासेस हैं, क्या है, जितनी भी ग्रासेस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जितनी भी ग्रासेस को आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑल द ग्रासेस इन द होल वर्ल्ड आर मोनोपॉड्स, जितने भी ग्रासेस है सबके सब क्या है, मोनोपॉड्स, ठीक है। तो ग्रासेस की फैमिली में जो कॉटिलेडन, अब है तो बेचारे का एक ही कॉटिलेडन ना, वन ओनली वन कॉटिलेडन, क्योंकि मोनोपॉड है, ठीक है। तो ग्रासेस के फैमिली में जो इसका एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किटेलम बोलते हैं, ठीक है। फटाफट इसमें नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा आपसे इन विच फैमिली, और आपको चार नीचे में एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, है ना। मैंगो लिख दिया गया, ग्रास लिख दिया गया, इसको उल्टा करके पूछा जाएगा, इतने सीधे तरीके से नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इन द ग्रास फैमिली, इन द ग्रास फैमिली, इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन, द कॉटिलेडन is called as, the cotyledon is called as scutellum, clear है, बिल्कुल है ना, कुछ है ही नहीं इसके सिवा, कुछ नहीं है, बस इतना ही है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इससे, ठीक है, बस आगे चल रहे हम लोग। अब नेक्स्ट एक टर्म क्या है यहाँ पे हम लोगों के पास, एक टर्म आपको और देखने को मिलता है, दैट इज पेरिस्पर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट टर्म इज पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म, इसको समझाती हूँ मैं। जब मैं आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता रही थी, जब आप मेरे से ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, पेरिस्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, तो जैसे मैं अभी बोल रही थी, हम लोग करते क्या है, जो सारा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमने सारी चीजें सबकी इम्पोर्टेंस को हमने यहाँ पे ध्यान दिया है, चाहे कोई भी हो, छोटा छोटा पार्ट हो, माइक्रोपाइल ही है, तो मैंने आपको इसके बारे में सिखाया है कि यहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी, ठीक है, ऐसी करके आपने ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। लेकिन हम लोग ना हमेशा न्यूसलस को अनदेखा करते हैं, ये न्यूसलस वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग अनदेखा करते हैं, जबकि होता क्या है, कई बार कुछ ऐसे सीड्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें ये न्यूसलस वाला पार्ट क्या होता है, परसिस्ट कर जाता है, परसिस्ट मतलब बचा हुआ रह जाता है ना। तो जब ये बचा हुआ रह जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेरिस्पर्म, आप ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा 2000% कंफर्मेशन के साथ, ये नीट के एग्जाम में जरूर आपको कई ईयर्स में सुनने को देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पेरिस्पर्म इज, और नीचे आपके ऑप्शंस दिए, परसिस्टेंट न्यूसलस, परसिस्टेंट राफे, परसिस्टेंट चेलेजा, परसिस्टेंट कॉटिलेडन, इस तरीके से करके आपको वहां पे दिया जाता है, ठीक। बट ये है क्या एक्चुअली, यहाँ पे मैंने लिखा, हाँ जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, दैट इज परसिस्टेंट मतलब बचा हुआ, परसिस्टेंट न्यूसलस, इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, परसिस्टेंट न्यूसलस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, पेरिस्पर्म हो गया, और इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है इसके, हो गया ब्लैक पेपर है, बीट है, एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल्स आर, यहाँ पे हो गया, दैट इज ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर एंड, ब्लैक पेपर एंड बीट, ये इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एक न्यू टर्म है आपके पास, क्या न्यू तो नहीं है, सुना हुआ है सब आपका, बस मैं रिवाइज करा रही हूँ फटाफट, देन आगे बढ़ना है। एक और टर्म है आपके पास, सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, ठीक। क्वेश्चन ये आता है कि सीड डोरमेंसी है क्या, अब इसके रिगार्डिंग स्टोरी सुन लीजिए। सपोज कीजिए कि आपने एक गमले के अंदर, ठीक है,
किसी सीड को लगाया आपने, सपोज कीजिए चने का कोई बीज है उसको आपने लगाया है यहाँ पे, लगाने के बाद ना आप भूल गए, हुआ ऐसा 1 month हुआ इसके अंदर से जर्मिनेशन नहीं हुआ, फिर आप भूल गए, आपने सोचा ऐसा लगता है ये खराब हो गया उसके अंदर, या सीड ही खराब था उसी में कोई डिमेंट था, ठीक। बट क्या हुआ, रेनी सीजन आने के बाद ना आपने देखा कि ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर गया है, ठीक। हुआ क्या, हुआ ऐसा कि ये जो सीड है इसमें देखा कि जो सारे कंडीशंस है वो कैसे हैं, सारे कंडीशंस है वो मेरे फेवर में नहीं है, तो जब उसके फेवर में नहीं थे तो उसका जो सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो था वो स्लो डाउन हो गया, और इसने इतना रिजर्व फूड करके खुद के अंदर रखा हुआ है कि उसका यूज कर करके खुद ही खर्च कर करके ये सर्वाइव कर रहा था वहां पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी बोलते हैं इसको हिंदी में। जब हम लोग देखते हैं ना जैसे डिक्शनरी में आप देखिएगा डोरमेंसी, ठीक है, तो एक लिटरल हिंदी इसकी निकल के सामने आती है, उसको बोला जाता है सुसुप्त अवस्था, मतलब सोई हुई अवस्था ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ इसको, चलिए यही नोट कर रहा हूँ, उसको डिलीट करना चाह रही हूँ, चलिए ये हो गया, फास्ट करती हूँ। सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी इज द स्टेट इन विच सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट, सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट, ये जर्मिनेट नहीं कर पाता, अनेबल टू जर्मिनेट, अब यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, प्लांट्स यूटिलाइज डॉर्मेंसी सो दैट सीड कैन एंड्योर अनफेवरेबल कंडीशंस, यही सिखाया मैंने आपको अभी। जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन दिखेगा तो ये सोचेगा अच्छा बाहर निकलने का फायदा क्या है, बाहर निकल के भी मरना ही है, उससे अच्छा क्या करो अपने आप को ऐसे ही डोरमेंट कंडीशन में रखो। तो यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, पूरी जो डोरमेंसी की कंडीशन उसको यूटिलाइज मतलब इस्तेमाल करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, सब कुछ सेव करते हैं अपना। तो प्लांट्स यूटिलाइज डोरमेंसी सो दैट सीड कैन एंड्योर अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस एंड नॉट ऑल जर्मिनेट, नॉट ऑल, थोड़ा सा हैंग कर रहा है आगे, नॉट ऑल जर्मिनेट एट सेम टाइम, जर्मिनेट एट द सेम टाइम, ठीक। क्योंकि जो अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर ये सोचेगा अभी कि अनफेवरेबल कंडीशन में मुझे क्या करना है, निकलना है, ग्रो करना है, तो वैसे भी इसकी डेथ होनी है, इस सीड का और कुछ होगा नहीं वैसे कंडीशन में, तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं उस कंडीशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, दैट इज सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी के बाद और एक आपने टर्म सुना होगा किसका, एक फ्रूट पे हम लोग चलते हैं, पेज चेंज ही करते हैं क्योंकि इस टॉपिक का तो है नहीं, देन आपने एक सुना होगा, यहाँ पे फ्रूट्स पे चलते हैं हम लोग, फ्रूट्स पे,
फूड्स जब आप देखते हैं तो आपको दो टर्म यहाँ पे सुनने को मिलता है, दैट इज ट्रू फ्रूट्स एंड ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आपने जो पढ़ा है दैट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और जब मैं आपको फ्लावर का पार्ट पढ़ा रही थी जो इसके पेटल्स वेटल्स जो प्रेजेंट थे, तो थैलमस भी तो था इसके नीचे। अगर किसी फ्रूट में खाने वाला हिस्सा एडिबल पार्ट डायरेक्ट ओवरी से डेवलप होता है तो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं, और जब किसी फ्रूट में खाने वाला जो पार्ट होता है, खाने वाला जो हिस्सा होता है अदर देन द ओवरी, मतलब इस ओवरी को छोड़ के कोई भी हिस्सा, जैसे सेब में एप्पल में हम लोग क्या खाते हैं, थैलेमस उसका, ठीक है। बहुत साफ सीधी सी बात है, बच्चे पता नहीं कंफ्यूज क्यों करते हैं इसमें, सिंपल सी बात है। अगर एडिबल पार्ट ओवरी है तो वो ट्रू फ्रूट है, और अगर एडिबल पार्ट अदर देन द ओवरी है तो वो फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। तो व्हेन व्हेन ट्रू फ्रूट्स में लिख लीजिए, ट्रू फ्रूट्स आर डेवलप्ड, ट्रू फ्रूट्स आर डेवलप्ड डायरेक्ट फ्रॉम द ओवरी, डेवलप्ड डायरेक्ट फ्रॉम द ओवरी, फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट फ्रूट में क्या हो जाएगा, इन फर्स्ट फ्रूट्स, इन फर्स्ट फ्रूट्स एडिबल पार्ट इज अदर देन द ओवरी। इसके तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है, ट्रू फ्रूट्स तो है ही है ना, लेकिन फॉल्स फ्रूट्स के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करते हैं उसमें बहुत सारे हैं। यहाँ पे एक क्लासिक एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज इन एप्पल द एडिबल पार्ट, एप्पल द एडिबल पार्ट इज इट्स थैलेमस, एडिबल पार्ट इज इट्स थैलेमस। इसका एडिबल पार्ट क्या है, थैलेमस है, इसमें थैलेमस खाया जाता है, मतलब नीचे वाला जो ऐसे सॉलिड पोर्शन होता है ना वही इसमें एडिबल हो जाता है ना। अब और एक नेक्स्ट हम लोग टर्मिनोलॉजी की तरफ चल रहे हैं, उसके बाद जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अगर आपने बोला उसको भी देखेंगे हम लोग। हाँ, एक जो सबसे बड़ा डाउट है मैं जिसमें बच्चे बहुत, पार्थिव हाँ पार्थेनोकार्पी बोल रहा है ना, यस मैम। हाँ देखिए एक वर्ड है बच्चे, मतलब मोस्ट ऑफ द बैचेस में क्या है मैंने नोटिस करा है, जब बच्चे खास करके प्रिपरेशन वाले फेज में आते हैं उनमें सबसे पहली चीज और सबसे बड़ा जो डाउट है ना वो किस चीज को लेके आता है, वो पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस के बीच में कंफ्यूज कर रहा है। हमेशा इस चीज को ध्यान देना है, आपको दो टर्म सुनने को मिलेगा, आप जो दो टर्म सुनते हैं उसमें एक टर्म है आपका दैट इज पार्थेनो कार्पी, थोड़ा इधर करते हैं, एक है आपका पार्थेनो कार्पी और एक है आपका पार्थेनोजेनेसिस। इवन की कई टीचर्स भी इसमें गलत बताते और बच्चों को
छोड़ देते हैं, कहते नहीं एक ही है दोनों, ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है पार्थेनोकार्पी और यहाँ मैंने लिखा है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अब फर्क क्या है दोनों में, सो देखिए ध्यान से। पार्थेनोकार्पी जो है दैट इज, यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना रिप्रोडक्शन के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थेनोजेनेसिस में किसी एनिमल का, जैसे मेल हनी भी बनता है ना, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, आगे भी है, सेक्स चैप्टर में भी है ना। तो जब किसी एनिमल का, जैसे हनी भी हो गया, लिजार्ड हो गया, तो जब किसी एनिमल का प्रोडक्शन होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, और जब किसी फ्रूट का बनना होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको लोग पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, और इस घटना से जो फ्रूट बनता है उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी फ्रूट बोलते हैं। इसको हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखना अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए मैं लिख देती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन ही है, जिंदगी भर चलता रहता है। अगर एक बार क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ, हाँ कन्फ्यूजन क्लियर है, फिर तो कभी डाउट नहीं होगा, नेवर। तो पार्थेनोकार्पी इज द, पार्थेनोकार्पी इज द फेनोमेना ऑफ, इज द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन, फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोकार्पी इज द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी फ्रूट विदाउट, विदाउट मतलब हॉर्मोन्स का वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे मॉल वगैरह में ना आपने देखे होंगे ऑरेंजेस वगैरह बिकते हुए, काफी महंगा बिकता है वो। आप पूछिए भाई इतना महंगा क्यों दे रहे हो, तो वो बोलेगा इसके अंदर एक भी सीड नहीं है। भाई जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ओव्यूल प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो सीडलेस तो होगा ही। तो इसमें सीडलेस फ्रूट्स आपको कहीं देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस पे। पार्थेनोजेनेसिस इज अनदर थिंग। यहाँ पे क्या है पार्थेनोजेनेसिस में, जहां पे फ्रूट है वहां पे ऑर्गेनिज्म कर देना है। द शॉर्ट में इसको और भी छोटा अगर हम करें तो, डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये हो गया पार्थेनोजेनेसिस हो गया, ठीक है। इसके एग्जांपल में लिख लेंगे मेल हनी बी, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए। चलिए एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं इसमें, पार्थेनोजेनेसिस में मेल
खाली ली फॉर्मेशन, फॉर्मेशन सही नहीं लग रहा, मेल वाले भी डेवलपमेंट। ठीक है ये हो। और इसमें जितने भी सीडलेस फ्रूट्स वगैरह हैं सब इसमें पार्थेनो कार्टी में आ जाएंगे। ठीक है चलिए आगे मूव करते हैं। एक और टॉपिक है यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग है, जो आपको कंफ्यूज करेगा, दैट इज एक साइड हो गया यहाँ पे एपोमिक्सिस और पार्थेनो कार्पिक फिर से आ गया। एक और बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, एपो मिक्सिस और एक हो गया यहां पे पार्थेनो कार्पी। ये तो मैंने अभी सिखा दिया आपको पार्थेनो कार्पी, आप बोलेंगे ये तो इजी है। पार्थेनो कार्पी तो हम लोगों ने सीख लिया, डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। मैम लेकिन फिर आप, हाँ बोलिए। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? हाँ इसके आगे बढ़ रही हूँ मैं, देखिए ना नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। जब फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो आपने उसको क्या बोला, आपने उसको बोला है पार्थेनोकार्पी। ठीक है फिर बच्चे बोलते हैं कि फिर ये यहाँ पे एपोमिक्सिस कहाँ कहाँ से आ गया। ठीक है तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, डेवलपमेंट ऑफ, अगर आपको एग्जाम में नीट के एग्जाम में अगर आपको आ गया फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, आपको ऑप्शन में पार्थेनोजेनेसिस भी लिखा रहेगा, पार्थेनोकार्पी भी लिखा रहेगा, एपोमिक्सिस भी लिखा रहेगा, तब यहाँ पे हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीड का फॉर्मेशन देख रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, किस चीज के, बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक अब देन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या, अब इसके साथ एक और टर्म है जो लिंक्ड है, लिंक्ड बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, वो क्या है, दैट इज पॉली एम्ब्रियोन। काफी इजी है ये, कुछ है नहीं, देखिए इस टर्म को स्प्लिट करना मैं सिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है अब एक टर्म क्या है यहाँ पे, पॉली है, एक टर्म क्या है यहाँ पे, पॉली है। पॉली मीन्स क्या होता है, मोर देन टू या ज्यादा, अगर आपको कुछ ना समझ आए तो ज्यादा। ठीक है अब यहाँ पे होता क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है कि अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, अक्रेंस ऑफ यानी एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना। तो यहां पे हो गया अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, आपने देखा होगा कि लेमन को जब आप कट करते हैं, ठीक है, तो आपको इसको भी हम लोग सेप्टम ही बोलते हैं, सेप्टम मैंने बायो में कई जगह पढ़ाया आपको, ये भी सेप्टम ही है। तो आपने नोटिस करा होगा कि हर सेप्टम के अंदर इसमें क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं इसमें, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है यहाँ पे, अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे टर्म क्या लेके आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टर्म लेके आ रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये टर्म क्या हो गया आपके पास, पॉली एम्ब्रियोनी। अब क्लियर है, अब क्लियर है पॉली एम्ब्रियोनी, आगे चले। यस मैम। हाँ चलिए आगे देखते हैं, देखिए
अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली, सब कुछ ठीक है, सारी चीजें सही है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ डिवाइस, हालांकि ऐसा नहीं कि वो कोई दिखने वाला कोई टूल है और जा रहे कोई डिवाइस है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मेथड है एक, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, समझाऊंगी मैं क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं नीट के पर्पज से ही करा रही हूँ, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, और ट्वेल्थ वाले बच्चों का भी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होना उसमें भी सिर्फ एमसीक्यू ही आना है ना, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, इसको करना ज्यादा ईजी होता है। अब देखिए, यानी कि अगर हम एक पौधे को देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक पौधे को अगर हम देख रहे हैं, हमने एक प्लांट को देखा, ठीक है, और इस प्लांट के पास क्या है, दिक्कत क्या है कि अगर ये मेल और फीमेल दोनों गेमेट को एक साथ प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, ठीक है, और ऐसा अगर किसी एक ही फ्लावर में होता है कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट ये प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, याद आया, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हर्माफ्रोडाइट। आप बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट वर्ड हमारे लिए नया है, अगर ये भी समझ नहीं आया याद रखिए बायसेक्सुअल, अब तो पक्का समझ आ गया होगा, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी इसके पास है, ठीक। तो यहाँ पे अब एक और चीज है कि अगर आप लगातार सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसी का जो पॉलिन ग्रेन है इसी के स्टिग्मा पे या इसी के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाए, फिर मेल गैमेट इसी के, होता क्या है, उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, जब आप मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है फ्यूज कराया आपने, एक जायगोट बना, सपोज कीजिए ये मेल है आगे जाके, फिर आपने इसको फ्यूज कराया, फिर एक जायगोट बना, ठीक है, तो अगर आप लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराते चले जा रहे हैं तो उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें कमी आती है, इसको हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ, क्वेश्चन आंसर वाला पेज था मेरे पास, मैं उसमें लिख देती हूँ, अच्छा हाँ वो तो अभी जो हैंग किया ना उसमें वो मिस हो गया था, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पे मैं लिख देती हूँ कि व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ, व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, डिमेरिट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का डिमेरिट क्या है, आपको इसका जो एक एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर है दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब इसकी जो क्वालिटी है ना उसमें खराबी आती चली जाएगी, उसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता चला जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कॉपी राइटेड लाइन लिखी जाती है कि कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, लिखा जाता है इसके लिए, इसके लिए कॉपीराइटेड लाइन दी जाती है, बोला जाता है कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, continued self pollination result in inbreeding depression, inbreeding depression, उससे क्या होता है, inbreeding depression होता है, ठीक है, तो फ्लावर क्या करते हैं, कुछ ऐसे खुद के अंदर डिवाइस डेवलप करते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करें, मतलब ऐसी कोशिश करें भाई तुम हो ही नहीं, समझे, उसको हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं, द डिवाइसेस विच आर इनहेंस्ड बाय एनी फ्लावर, ठीक है, तो यहाँ पे
फ्लावरिंग प्लांट्स ने एक तरीका निकाला, क्या? तो ये तरीका निकाला कि फ्लावरिंग प्लांट्स इनकरेज, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं ना ऐसे आसान भाषा में, तो बोलिएगा कि ये इनकरेज करते हैं किस चीज को? फ्लावरिंग प्लांट्स इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो, इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाइल दे डिस्करेज, मतलब इसको नहीं होने देना चाहते हैं, व्हाइल दे डिस्करेज, दे डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग बोलते हैं इसको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जो भी डिवाइस ये यहाँ पे डेवलप करके रखते हैं। अब उसमें क्या क्या डिवाइस है तो देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे मतलब कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये ऑटोगेमी को क्या करेंगे, वहां पे नहीं होने देंगे। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ये हर हाल में कोशिश करेंगे कि भाई किसी भी तरीके से क्या नहीं होना चाहिए, ऑटोगेमी नहीं होना चाहिए। ऑटोगेमी नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं होने देना चाहते ये, तो इसलिए नहीं होने देना चाहते क्योंकि उससे क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, तो उसमें एक टॉपिक है जो नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी एनसीईआरटी किताब में नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एच ई आर के ओ जी ए एम वाई, हरकोगेमी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हरकोगेमी बोलते हैं, ठीक है। होता ये ऐसे समझिए, एक पौधे के अंदर क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की पोजीशनिंग ऐसी होती है ना कि किसी कीमत पे दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, इसको हम लोग हरकोगेमी बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ आपको समझ आ जाएगा, हवा में तो नहीं आएगा समझ में, चलिए लिख लीजिए। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स द प्लेसमेंट ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर इन डिफरेंट पोजिशन, बस हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, हरकोगेमी बोलते हैं। एंड फीमेल फ्लावर्स इन different positions, different positions within the same plant, within the same plant, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हरकोगेमी बोलते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा ये किसके रिगार्डिंग होता है, पोजिशनिंग के रिगार्डिंग होता है, किसके रिगार्डिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से हम लोगों को क्या है, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको हमें सपोर्ट करना है, और सेल्फ पॉलिनेशन है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्करेज करना है, ठीक है। एक मैंने आपको हरकोगेमी सिखाया, दूसरा टॉपिक देखिए लास्ट है बस, दूसरा टॉपिक क्या है, डी आई सी एच ओ जी ए एम वाई, डाइकोगेमी। दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, पहले मैं समझा देती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेल जो यहाँ पे क्या है, सेक्स ऑर्गन है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसका मैच्योरेशन पहले हो रहा है और ये कितना भी इंतजार कर रहा है कि ये मैच्योर हो जाए, बट इसका मैच्योरेशन बाद में होगा, ठीक है, तो क्या ये दोनों फर्टिलाइज करेगा? नेवर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए डाइकोगेमी, बहुत ज्यादा आज मैंने टर्मिनोलॉजी सिखा दिया है ना, आपको हो सकता लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा आज करा दिया मैंने, बट ये जरूरी था, सारे ही टर्म्स क्वेश्चन है,
डाइकोगेमी रेफर्स टू मैच्योरेशन ऑफ, आसान भाषा में लिखती हूँ, मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन प्लांट्स एट डिफरेंट टाइम्स. यहाँ डिफरेंट टाइम है, डाइकोगेमी डिफरेंट टाइम है, हर्कोगेमी डिफरेंट पोजिशन है, ऐसे ट्रिक याद रखिएगा. एट डिफरेंट टाइम, एट डिफरेंट टाइम्स क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डाइकोगेमी बोलते हैं. ठीक है, देखिए अब क्या है डाइकोगेमी में, ये हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका. चलिए नेक्स्ट पेज शिफ्ट कर रही हूँ. डाइकोगेमी जल्दी करती हूँ, थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया है, मतलब रात भी ज्यादा हो गई है. डाइकोगेमी क्या है, ये ऐसे अगर स्टैमेन पहले मैच्योर होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर पहले मैच्योर होता है तो उसको हम लोग प्रोटेंड्री बोलते हैं, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होती है तो उसको हम लोग प्रोटोगाइनी बोलते हैं, GYNY, प्रोटोगाइनी. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेमेन पहले मैच्योर होगा, स्टेमेन मैच्योर अर्लियर, पहले कौन मैच्योर होगा, स्टेमेन. बिल्कुल साफ साफ लिख रही है, देखिए प्रोटेंड्री मतलब प्रोटो मीन्स पहले होता है ना, तो स्टेमेन में यहाँ पे पहले मैच्योर होता है, गाइनी मतलब फीमेल होता है ना, तो यहाँ पे कार्पेल मैच्योर अर्लियर, कार्पेल मैच्योर अर्लियर, तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्रोटोगाइनी बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लास्ट में लिख देती हूँ, बोलेंगे आपकी तब से मैडम लास्ट लास्ट कर रही है, लास्ट नहीं हो रहा है इनका. कई बार होता है बच्चे बोलते हैं. प्रोटेंड्री में क्या है, यहाँ पे बेसिक से एग्जांपल लिख लीजिए. सनफ्लावर में, सूर्यमुखी में क्या होता है, पहले मेल जो है वो मैच्योर होते हैं, जैस्मिन है, ये एग्जांपल हो गया इसके पास. ठीक है, और यहाँ पे लास्ट एग्जांपल हो गया, बहुत कॉमन है, रोज है, अशोका है. चलिए लास्ट हो गया, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में, क्लियर है बिल्कुल. यस मैम. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग करते हैं. अब कल तो इसका लास्ट क्लास है इस चैप्टर का.